मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ें। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। पवित्र वचन जो हमारे हाथ में है उसके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने स्वभाव को हमें प्रकट कर कर दिया है ताकि हम परमेश्वर को और करीबी से जानें और उसकी इच्छा के लिए जिएं जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अदन बगीचा में जब मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना का मन बनाया, फैसला लिया, परमेश्वर चाहता तो मनुष्य को उसी समय नष्ट कर कर अपना काम फिर दोबारा शुरू कर सकता था, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत को देखते हैं किस प्रकार एक निर्दोष जानवर को मारकर परमेश्वर ने उनके नंगापन को चमड़े के अंगरखे से ढांपा और उनके साथ वाचा बांधी स्त्री के संतान के संबंध में जो मनुष्य का उद्धार करता होगा, उसके बाद उन्हें बगीचे से बाहर भेजा। परमेश्वर चाहता तो मनुष्य को उसके हाल में छोड़ सकता था, उसकी इच्छा के लिए वो खुद ही जिए परमेश्वर कर सकता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखते कैसे परमेश्वर मनुष्य के पीछे पीछे आया, वाचा बांधे, वायदे दिए और सही समय पर व्यवस्था भी दिया ताकि मनुष्य व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की आदत को सीखे। हमने इस बात को समझना है कि परमेश्वर केवल नए नियम में अनुग्रहकारी नहीं, आरंभ से ही अनुग्रहकारी। परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए दी थी ताकि मनुष्य जाने परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बहुमूल्य है, पाप कितना भयानक है, आज्ञा मानना कितना जरूरी है। और जो व्यवस्था दी गई वो पत्थर के पटलों पर लिख कर दिया गया था और वो खोदा गया था, स्याही से नहीं लिखा, क्योंकि समय बीतने पर स्याही का रंग उड़ जाए और इंसान पढ़ ना पाए, इसलिए खोद कर दिया ताकि समय बदल जाए तो भी परमेश्वर के व्यवस्था को कोई बदलाव नहीं, परमेश्वर के स्वभाव को कोई बदलाव नहीं। परमेश्वर ने इसराइलियों को केवल व्यवस्था के लिए नहीं, उन 12 याकूब के संतानों में से एक गोत्र लेवी को अपने लिए चुन कर लिया ताकि वो इसराइल को व्यवस्था सिखाए, ताकि वो याजकों का एक समाज बने। एक कई समय थे जब वो व्यवस्था के अनुसार चले और कई समय थे वो व्यवस्था को तुच्छ समझे। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा ताकि लोगों को चौकस करें, लेकिन इन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के साथ अन्याय किया, कईयों को जान से मारा और फिर परमेश्वर का सजा भी उन पर आया। आज जब प्रभु के वचन को जब सुन रहे हैं, आइए हम अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेता हूं जिसे मैं पढ़ता भी हूं और सुनता भी हूं? परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों को हमारे जीवन में भेजता है ताकि वो हमें वचन सिखाए और हमें अगुवाई करें। जिस प्रकार नए नियम में हम देखते कैसे खोजा सफर में जाते वक्त यशया की भविष्यवाणी पढ़ रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आया, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा, आत्मा उठाकर ले गई ताकि खोजे को वचन समझाए। इसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को भेजता है ताकि हमें सिखाएं और अगुवाई करें। लेकिन मैं अगर परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ना लूं, यही वचन जो मैं सुनता और सीखता हूं ये मेरे लिए आशीष के बजाय न्याय का कारण बन जाएगा। पहले शताब्दी के बेरिया के कलीसिया को जरा देखें, वो कैसे प्रेरितों से वचन सुनते थे, खुले मन से सुनते थे, विश्वास करना चाहते थे। वो परमेश्वर के दासों के लिए धन्यवाद देते थे जिन्होंने सत्य उन तक पहुंचाया, लेकिन सुनने के बाद वो वचनों में खोजते थे कि ऐसा ही है, क्योंकि वो वचन के अनुसार चलना चाहते थे। कुर्नेलियस और कुर्नेलियस के घराने को देखें, कैसे खुले मन से वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार किए। आज हम बहुत से प्रचारकों को सुनते हैं, इधर जैसे हमने पढ़ा है कि प्रचार से नहीं वरन जो व्यवस्था से, फिर वचन में हमने लिखा है
वचन में हम पढ़ते हैं, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, प्रचार नहीं, व्यवस्था सुनने से। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जिसमें परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा है। आज बहुत सारे प्रचारक परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं करते, वरन लोगों की इच्छा के अनुसार प्रचार करते हैं। परमेश्वर के संतान के तौर पर मुझे वचन के सिद्धांत अच्छी तरह मालूम होने चाहिए। अगर हम परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझ पाए, हम अपने जीवनों को बर्बाद कर देंगे। हम अपनी मर्जी से चलने लगेंगे, प्रार्थना जैसे मर्जी करना है करने लगेंगे, और फिर इधर जैसे लिखा है, हमारी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अगर परमेश्वर के नजर में मेरी प्रार्थना घृणित है, तो क्या उसका परिणाम भी भुगतना नहीं पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जो मनुष्य बोता है वो काटेगा भी। सो आइए इन दिनों में हम अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं परमेश्वर का वचन संपूर्ण रीति से सुनना, समझना और उसके अनुसार चलना चाहता हूं, या केवल मैं वही सुनना चाहता हूं जो मुझे अच्छा लगता है? क्या मैं परमेश्वर की व्यवस्था उपदेशों को ध्यान देता हूं? नहीं है तो परमेश्वर भरमाने वाली आत्मा को जैसे आहाब के पास भेजा था, हमारे पास भी भेजेगा। आइए हम अपने चाल चलन को ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को अहमियत दें, अपने जीवन को क्रम में लाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, आपके वचन को इन दिनों में सीखने के लिए, समझने के लिए, वचन के सिद्धांतों को समझने के लिए हमें वो मन दे, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। जो भी हमें देखे वो आपकी महिमा करने पाए, उसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। ये सुनने वाला वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, मारना।